हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल लाइटिंग स्पार्टन। सो आज इस वीडियो में हम जो IBPS RRB की जो वैकेंसीज अनाउंस हो गई है, तो उसमें काफ़ी स्टेट्स है जहाँ पर वैकेंसीज कम है। तो जिन भी स्टेट्स में वैकेंसीज कम है, तो उन लोगों को अदर स्टेट्स अगर फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, तो उस बारे में कम्प्लीट इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्टेट्स के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं स्पेशली, तो मैं वो स्टेट्स के नाम पहले आपको बता देता हूं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, MP और पंजाब। तो यहां पर जो अधिकतर वैकेंसीज है जनरल और OBC की, दोनों की मैं बात करूं तो 30 से कम है। तो इन स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ें जो अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। पहली तो कि जो सेंटर है, कि जो सेंटर जो होना चाहिए वो सबसे नियरेस्ट होना चाहिए जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अगर दूसरी स्टेट से, आपकी स्टेट से वो जो सिटी है जो जहाँ पर भी आप सेंटर लोगे वो नियरेस्ट होना चाहिए। सेकेंड, कि जैसा कोविड के केसेस चल रहे हैं, आपको पता है, तो कोविड के केसेस के अनुसार आपको वो जो सिटी आपने ली है या जो भी सेंटर चूज़ करा है, वो वहाँ का कन्वीनियंस, मतलब आप जब ट्रेवल करो अगर कोई सिचुएशन थोड़ी बहुत ख़राब होती है, तो आपको इजीली वहाँ पर ट्रेवल की व्यवस्था हो जाए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और तीसरी, स्टेट की वैकेंसी, अगर आप किसी दूसरी स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा माइंड में कि वो आपकी स्टेट की वैकेंसी से मल्टीपल बाय 2 होना चाहिए। अगर आप उसमें दूसरी स्टेट से फॉर्म भर रहे हो और उसमें भी वैकेंसीज कम है, तो उसमें आपके चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो आपको ये माइंड में बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसमें दो तीन चीज़ें और मैं मेंशन करना चाहूँगा। इस जो वीडियो में मैंने कुछ स्टेट्स का बिल्कुल भी नहीं लिया, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हर बार वैकेंसीज कम आती है, लो आती है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर का डिटेल में एनालिसिस नहीं लिया हुआ है। और दूसरी, जम्मू कश्मीर का भी नहीं लिया हुआ है। जम्मू कश्मीर वाले चाहे तो वो भर सकते हैं किसी भी स्टेट से, बट उस समय उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रेवल जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चालू रहेगा या नहीं रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप फिलअप कर सकते हो दूसरे स्टेट से। अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें और माइंड में रखनी चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी माइंड में रखना पड़ेगा। स्पेशली मैं बात करूँ अगर गुजरात और राजस्थान की, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो गुजरात, राजस्थान और UP में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके जो स्पॉन्सर बैंक है जो भी था, तो उन्होंने क्या करा था, अपनी वैकेंसीज वापस ले ली थी, जिस वजह से प्रीलिम्स का कट ऑफ हाई चला गया था। तो आपको ये दिमाग में बात रखनी पड़ेगी माइंड में कि जब प्रीलिम्स का कट ऑफ किस लिए हाई गया था, तो इसलिए मैंने इसमें राजस्थान को नहीं लिया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर मेंस का कट ऑफ आपने देखा होगा कि मेंस का कट ऑफ जो था बाद में लो गया था, स्पेशली गुजरात और राजस्थान में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और वैकेंसीज भी ध्यान में रखनी है कि पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी स्टेट्स में, इस बार कितनी है। और मैं बात करूँ इस बार की वैकेंसीज, तो इस बार काफ़ी सारे स्टेट्स में जो वैकेंसीज से अच्छी खासी आई हुई है, सिवाय कुछ स्टेट्स को छोड़कर जिनका मैंने मेंशन करा हुआ, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, MP और पंजाब। इनमें जो जनरल की और OBC की जो वैकेंसीज है, लेस देन 30 है, तो यहाँ पर कंपटीशन ऑलरेडी ही हाई हो चुका है। अब मैं बात करूँ कुछ स्टेट्स, जैसे महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, पर कुछ बैंक है जिन्होंने नॉट रिपोर्टेड करा। पिछली बार शायद बिहार में कम वैकेंसीज आई थी, शायद आई नहीं थी, मुझे जहाँ तक पता आ रहा है शायद कम थी या जो भी था। तो इस बार बिहार में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है, तो झारखंड वाले चाहे तो बिहार भी जा सकते हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट भी पड़ सकता है वहाँ से। तो इस तरीके से आपको स्टेट चूज़ कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब UP जा रहे हो तो अभी UP जाओ। आपको माइंड में ध्यान रखना है कि ट्रेवल कन्वीनियंस आपको इजीली उस स्टेट में मिल जाए। MP वाले चाहे तो जा सकते हैं UP, क्योंकि वहाँ से नियरेस्ट जो भी सेंटर है वो पड़ता है, वो ले सकते हैं। पंजाब वाले भी जहाँ से उनको कन्वीनियंस ईजिली मिल जाए ट्रेवल के लिए, है ना। तो ये चीज़ आपको माइंड में ध्यान में रखनी है। और मैंने काफ़ी नॉर्थ ईस्ट का नहीं लिया, और साउथ की स्टेट का मैं बात करूँ तो कर्नाटक, केरल और आंध्र, यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है या तो लो है, है ना। जैसे आंध्रा में लो वैकेंसीज है, कर्नाटक और केरल में नहीं। अगर आपको हिंदी थोड़ी बहुत भी आती है, थोड़ी मोड़ी आप समझ लेते हो, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको समझ आ रहा होगा, तो आप हिंदी स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जो भी आपको फिलअप करना है, या तो फिर महाराष्ट्र से लगी हुई जो स्टेट से, वहाँ से भी आप तो वहाँ से भी आप भर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है थोड़ा बहुत, है ना। तो आप देख लीजिएगा, ये मेरा पूरा कंप्लीट एनालिसिस था। आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, ट्रेवल, सेंटर और स्टेट की वैकेंसीज। तो ये तीनों को आपको माइंड में रख के फॉर्म फिलअप करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये था एक वीडियो फॉर्म फिलअप को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर मोर अपडेट प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।